वेलकम टू कामदेव साधना पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लास माइसेल्फ रश्मिप्रिया पिले माने पूर्व क्लास रे गोटे कविता पढ़ी जार नाँ थिला पृथ्वी आमर घर पेज नंबर 13 बाहर करी समस्त देखिबा एवं मो कथा को सुनिबा। पृथ्वी आमर गोटे घर घर नुहे एत सरगपुर सभीए आमे त रहू एकाठी आमे जानी नाहू जाति अजाति। ए पदर अर्थ हेउची पृथ्वी। पृथ्वी कहले आम ग्रह, आमे जो ग्रह रे बास करचंदे ता ना हेउची पृथ्वी। समग्र पृथ्वीवासी गोटे परिवार रे रहउचंदी। एटे पृथ्वी को गोटे परिवार सहित गोटे घर सहित तुलना करा जायची। घर नुहे तो स्वर्गपुर। स्वर्गपुर कहले पिले माने स्वर्गपुर जेउठारे कि समस्त प्रकारर सुख ओ स्वच्छंद भरी रहिथाए। पृथ्वी के आम स्वर्ग एटि स्वर्गपुर सहित तुलना करा जायची जहाद्वारा कि स्वर्गपुर जमीती आम खुशी रहंती सेपरि पृथ्वी रे मते आम खुशी रे रहउचंती। सभी आम तो रहू एकाठी आमे जानी नाहू जाति अजाति। आम समस्त एटि मिलीमिशी एकाठी रहउचु एक मन हो चलुचु। आम भितर कौन सी प्रकार जाति अजातिर भेदभाव ना बा कौन सी प्रकार छुआ अछुआर भेदभाव ना। पाठ बताउछि असल ज्ञान अपाठुआ अंधमुक समान पाठ पढ़ी आमे जानिबा परा विज्ञानर नुआ विकास धारा। पिले माने तुम माने समस्ते पाठ पढ़ुछ पाठ द्वारा आमर कौन उपकार होछि तुम माने समस्त को एटा जणा। तथापि मु कहूछि पाठ बताउछि असल ज्ञान अपाठुआ अंधमुक समान। पाठ द्वारा आमे बहुत किछि नुआ जिनिष जानुछन्ति नुआ कथा जानुछन्ति आउ आम दैनंदिन जीवन में घटुवा विभिन्न कार्यावली पाठ द्वारा आम बहुत किसी उपकृत होती। पाठ आम को अज्ञान रु ज्ञान आड़ को टाणी नौ पाठ द्वारा आम बहुत ज्ञान हासिल कर जो मैंने पाठ पढ़ी ना से अंधमुख सहित सामान अर्थात अंध अंध व्यक्ति किंवा मुक व्यक्ति भितर जमी शरीर गोटे अंगर कमी थाए अंगर अभाव थाए सेपरि अपाठुआ ता जीवन रे पाठर अभाव ताकु गोटे पंगु सदृश कर दे थाए। पाठ पढ़ी आमे जानिबा परा विज्ञानर नुआ विकास धारा। आमे पाठ पढ़िले विभिन्न प्रकार नुआ कथा जानिबा आम दैनंदिन जीवन रे विज्ञानर बहुत अवदान रहिछि। तुम्हें माने प्रत्येक दिन घटना गुड़ लक्ष्य कर कौथरे ना कौथरे विज्ञान संश्लिष्ट अछि जेमितिकि वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार नुआ नुआ जिनिष आविष्कार एवं उद्भावन करुछन्ति जेगुड़क आम साधारण लोक मैंने बहुत उपकृत होमें विज्ञान द्वारा बहुत उपकार लाभ कर विज्ञान आमर भविष्य पथ परिष्कार कर चली। विज्ञान द्वारा आम बहुत जिनसर विषय सूचना पाँच किसी नुआ जिनस विज्ञान जड़ित जहाद्वारा विज्ञान आमको बहुत साहय कर जीवन में सुखरे दुखरे करिबा सेवा हुअंतु से रोगी भिकारी अबा परिवेश सफा रखिबा परा गछ लगाइबा पड़िया सारा। आमे समस्त व्यक्ति को साहय करिबा जे सुखरे अछि किंबा दुखरे अछि बा से रोगी हो किंबा भिकारी हो समस्त जीवन रे किछ ना किछ आवश्यकता थाए समस्त साहय लोडी थांदे। जदि जने सुखरे अछि कोनोसी कारणरु ता मन दुखर थाए आमे जे ता दुखटिक बुझी ता मन को हल्का कर परबा सेटा मध्ये बड़ कथा। से बड़ा रोगी बा भिकारी ताको सब भिकारी टे तार बहुत जिनस आवश्यकता थाए जहाँकि से निजर आवश्यकता पूरण कर पारे ना से भिक मागे से भले लोक मान साहय करले से माने सुखर रहले ताकु देखी आमे माने मध्ये बहुत खुशी हो पारिबा। परिवेश सफा रखिबा परा गछ लगाइबा पड़िया सारा। आमे माने समस्ते परिवेश परिवेश अर्थात आमर चतुर्पाश्व आम चारिपाख आम जो जगार रोचा आम चारिपाख को आम परेश सफा सुतरा रखा यहाद्वारा आम कौन प्रकार रोग से पीड़ित होना सफा परेश एक उत्तम वातावरण सृष्टि करें उत्तम परेश द्वारा लोक मैंने निरोग रही था। गच्छ लगवा पड़िया सारा आम फाका स्थान पड़िया गच्छ लगवा कहीं गोटे सबुज परेश एक सुस्थ जीवन कारण अटे। रंग भली भली दिसिले अबा फूल रंग परी मन मोहिबा सभीए चलिले हस खुशी रे
ସରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ଯିବ ଖସିରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିଥିବ। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କି ଆମ ଆଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚେହେରା ଆମ ମନକୁ କିଣି ନେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଫୁଲ ପରି ହେବା, ଫୁଲ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥାଏ, କୌଣସି ଗର୍ବ ନକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଦେଖାଣିଆ ଢଙ୍ଗ ନକରି କେବଳ ତା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମ ଭିତରରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ମନରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସଭିଏଁ ଚଳିଲେ ହସ ଖୁସିରେ, ସରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ଯିବ ଖୁସିରେ। ଯେଉଁଟା ଭଲ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସଭିଏଁ ଯଦି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିବା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ହୋଇ ଚଳିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳିବା, ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଆ ଜହ୍ନମା ମୁଁ ଶରଦ ଶଶି, ମୁକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି। ଜହ୍ନ ହାତରେ ଖସି ପଡ଼ିବା, ଜହ୍ନ ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତକୁ ଆସିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ଚଳିବା, ସେଇ ଖୁସିଟା ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନ ହାତରେ ପଡ଼ିବା, ହାତ ପାହାନ୍ତକୁ ଆସିବା ଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିଦାୟକ ବା ସୁଖଦାୟକ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।